छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा में आज आचार संहिता और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीओपी अभिलाष धारू ने बताया कि नवरात्रि का धार्मिक पर्व चल रहा है एवं चुनाव आचार संहिता भी लगी हुई है। इस बात को ध्यान में देखते हुए त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो एवं शहर में शांति बनी रहे, इसी कड़ी में नगर निरीक्षक प्रतीक्षा माको ने पुलिस बल सहित फ्लैग मार्च निकाला। जुन्नारदेव सिटी इनसे वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जो अभी मार्च पास निकाला गया उसका उद्देश्य क्या था सर? दुर्गा उत्सव में शांति व्यवस्था स्थापित रखने और चुनाव प्रक्रिया में शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने आज पुलिस मार्च का आयोजन किया है। अच्छा, इसमें अभी पुलिस बल कितना है आपके पास? हमारे पास करीब 80 लोग हैं। तो चुनाव पीरियड में 80 लोग हो जाएंगे सर? ये अभी तो चुनाव की ड्यूटी के लिए नहीं आए हैं जी, ये केवल अभी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए हैं, चुनाव ड्यूटी के लिए अलग से बल उस समय में। अच्छा, उस समय चुनाव पीरियड में अलग अलग बल? अलग। थैंक यू सर। मैडम आप बताए आज के मार्च पास्ट को लेके। ये अभी जो आचार संहिता लगी है उसको मद्देनजर रखते हुए त्यौहार और साथ में चुनाव का समय है, उसको लेकर आज जुलूस का ये सब पूरा फ्लैग मार्च किया गया है। अच्छा, कि जो जो प्रतिमाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, उसको सुधारने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। थैंक यू।